एक और क्वेश्चन था लास्ट टाइम का जो इम्पोर्टेंट था, कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मान लीजिए अगर आज आप एक किसी की पत्नी थी, वो आपको छोड़ के यहाँ से चले गए कोविड की वजह से या दूसरे किसी कारण की वजह से, या उनकी जल्दी कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, तो आप लोग क्या सोचते हो किसके जिम्मेदार? मैं खुद हूँ, मेरे कर्माओं की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। तो बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, तो मैं उनके कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ आज के सेशन के माध्यम से। अगर आप 100 लोग में से जुड़ रहे हैं, 100 में से एक को भी समझ में आ गया, तो मेरे आज का ये जो पर्पज है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस चीज को आप गांठ मान लीजिए, आपकी लाइफ सिर्फ आप निर्धारित करते हो। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी लाइफ सिर्फ मैं निर्धारित करूंगा, मेरे पेरेंट्स नहीं करेंगे, या जो मेरी धर्मपत्नी होंगी वो नहीं करेंगे, मेरे बच्चे नहीं करेंगे। तो आप इस रिग्रेट को, अगर आपके अंदर ये चलता होगा कि मेरे जो साथी थे, अगर उनकी डेथ हुई है तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से हुआ है, या मेरे लास्ट बर्थ के कर्म अच्छे नहीं थे, या इस जन्म के मेरे कर्म अच्छे नहीं थे, तो ये सारी चीज़ आपको अपने दिमाग, दिल और दिमाग से निकालनी पड़ेंगी। इससे क्या होगा, आप अपना भी टाइम खराब करोगे और वो जहाँ पे हैं उनको भी परेशान करोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ से बचने की कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ खुद के जिम्मेदार हो। अगर आप दूसरों के जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो समझिए आपको 4 शरीर मिलते एक ही साथ में, मतलब 4 लोगों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती। सिर्फ आपको एक ही शरीर मिला है तो आप एक ही के जिम्मेदार हो। आपको जवाब अपनी सोल का देना पड़ेगा। जब आप यहाँ से जाओगे तो आपका सोल का रिव्यू होगा, ना कि आपके हस्बैंड की या आपके पेरेंट्स की या जो भी कोई भी रिलेशन रहने दो उनका। तो प्लीज इस चीज को सोचिए, कोई भी रिग्रेट में मत जाइए। अगर जिसके साथ में भी जैसा हो रहा है, देखिए उसको तो ना मैं ना आप ना कोई टाल सकता, वो तो होगा, इवन भगवान भी उसको नहीं टाल सकते, क्योंकि वो भी एक सिस्टम उन्होंने बना दिया, सिस्टम के हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं। तो किसी को दोष देना या खुद को दोष देना बंद कीजिए। तो ये मेरे 2 चीज थे, आई होप कि ये मदद करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो भी आप लोग मुझसे जुड़े हैं, इसको आप अपने अंदर उतारिए, समझिए अगर आपके साथ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप उसके लिए खुद को दोषी मत मानिए। Thank you.